वो कहते हैं ना कि प्यार करोगे तो धोखा मिलेगा और लिट्टी खाओगे तो चोखा मिलेगा। तो भाई लोगों, आपका इंतजार खत्म हो गया। हमारे खेसारी लाल यादव की फिल्म लिट्टी चोखा का ट्रेलर यूट्यूब पर आ गया है, लेकिन भोजपुरी दर्शकों को यह जानकर बहुत दुख होगा कि यह खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की आखिरी फिल्म होने वाली है, क्योंकि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच में किसी बात का मतभेद चल रहा है और कहा जा रहा है कि भोजपुरी के नटखट हीरो खेसारी लाल यादव और दर्शकों के दिल पर राज करने वाली काजल राघवानी लिट्टी चोखा फिल्म के बाद अब आपस में काम नहीं करेंगे। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो भोजपुरी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन हम बढ़ते हैं हाल ही में आई लिट्टी चोखा फिल्म के बारे में। इस फिल्म के लीड रोल में हैं खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और प्रगति भट्ट। अब तक यूट्यूब पर इसे करोड़ों बार देख लिया है और काफी पसंद भी किया है। यह फिल्म बैंक से लोन लेने के बाद कर्ज चुकाने तक का सफर दिखाया है और इसमें बहुत कॉमेडी भरी हुई है, जिसे देखने के बाद फैंस को काफी मजा आने वाला है। काजल माता जी खामोश। अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। बिहार के पत्ता लाई ना और भिखारी खाना खाए खातिर दरवाजे चलाई ले। अब बात करते हैं इस फिल्म की। इसमें दिखाया हुआ है खेसारी लाल यादव, जिन्होंने चोखा का किरदार निभाया है, और काजल राघवानी, जिन्होंने लिट्टी का किरदार निभाया है। वो दोनों पति पत्नी होते हैं और वह एक गांव में रहते हैं। लेकिन कहानी में तब मोड़ आता है जब चोखा यानी खेसारी लाल यादव बैंक से लोन ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद उसे चुका नहीं पाते। एक महीना के अंदर 5 लाख मूल और 1 लाख ब्याज चुका दिए। तो वह पैसे कमाने शहर चले जाते हैं। हम सोच ले बने काले हम सह जाए और लोन के पैसा जितना जल्दी हो सके चुकता करें। लेकिन शायद वहाँ से भी बात नहीं बनती तो वह खुदकुशी कर लेते हैं। मजा तो तब आना शुरू होता है जब चोखा की आत्मा लोगों को दिखाई देती है। आगे क्या होता है यह तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा कि वह लोन को चुका पाते हैं कि नहीं और चोखा की आत्मा कितना उधम मचाती है। अब बात करते हैं इस फिल्म में किस किस का योगदान है। इस फिल्म को बाबा मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड बैनर के तले बनाया गया है और प्रदीप कुमार शर्मा ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसके कहानी के लेखक राकेश त्रिपाठी और डायरेक्टर प्राग पाटिल जी है। इस फिल्म को गानों से चार चांद लगाने के लिए मधुकर आनंद जी ने अपना योगदान दिया है। फूल झड़ी क्या हुई मोहल्ला से को गया। यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के निजी मतभेद को देखने के बाद और उन दोनों के खुद के आखिरी फिल्म बताते हुए बयान के साथ भोजपुरी दर्शकों के लिए काफी निराशा की बात मानी जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी दर्शकों से इस फिल्म को इतना प्यार मिले जिससे यह फिल्म इस साल की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाए, ताकि हमारे सुपर स्टार्स को भी लगे कि वह आपस में कितने अच्छे जोड़े रखते हैं और दर्शक उनसे कितना प्यार करते हैं। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो यह दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूले और साथ साथ कमेंट करना भी। हम आगे भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा।